इन्फ्लुएंस जिससे आप अपना फैशन करियर और एजुकेशन अपग्रेड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बाबू ऑफिस में जहां चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग डे 2019। सो लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे सबसे कि इंटरनेट मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग, जो ऑफलाइन जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। सबसे प्राइम पॉइंट जो है वो यही है जो सब लोग बोल रहे हैं, दैट इट इज मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हैं रीच की। अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक नॉट अबाउट फाइनेंस, बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है बोरिंग रोड के मेन चौराहे पे, दिन भर में कितने लोग देखेंगे उसको? व्हाट डू यू थिंक? लाख, डेढ़ लाख, दो लाख? आराम से बोरिंग रोड मेन रोड पे तो आराम से। कितनी रिलेवेंट है? So we don't know actually. We don't know. Yeah. नहीं पता है। समोसे वाले की दुकान का एड है तो शायद सबके लिए रिलेवेंट है, लेकिन कितना कितने लोगों के लिए नहीं पता है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग हमें एक फील देता है जहां पे आप उसे बहुत कम स्पेस में, अगर 100 लोग भी अगर उसको देख रहे हैं, द विजिबिलिटी इज टू 100 पीपल, आप एक्चुअली में जान सकते हैं कि वो कौन है, मेल, फीमेल, एज, लोकेशन, कंट्री, वट एवर। इनफैक्ट अगर आप टारगेटेड मार्केटिंग कर रहे हो, डूइंग पेड प्रमोशंस, तो यू कैन रीच आउट टू हुम एवर यू वॉन्ट। हम लिटरली इस क्लासरूम में बैठे हुए सारे लोगों को रीच कर सकते हैं एक टारगेटेड एड से, एंड नोबडी एल्स। सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये ऑनलाइन मीडियम में ही पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि इंटरनेट जो है नेट gives you a playing field. Anybody with internet browser and internet connection can reach to anyone. उसको मेरे physical दुकान पे आने की जरूरत नहीं है। लोग business में बोलते हैं location, location, location. तीन important rule है location. All three belong to location. Why? अगर आपका चौराहे पर दुकान है, that's important. Ground floor पे shop है आपका तो मजेदार। क्यों? Traffic है, footfall है। इंटरनेट पे आप किस कोने में, किस कौन से सर्वर पे वेबसाइट है फर्क नहीं पड़ता है, स्लो है फास्ट है फर्क नहीं पड़ता है, एनीबडी कैन रीच यू। अब एक्सपीरियंस इज डिफरेंट मैटर, बट कोई भी पहुंच सकता है। यू टेल मी वेबसाइट नेम, आई जस्ट टाइप इट, आई रीच यू। स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या जरूरी है? इफ यू एनी ऑफ यू आर लाइक कि अपना काम करना है या कर रहे हैं या जो भी है, क्या क्या होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट? इट रिक्वायर्स रिसर्च, इट रिक्वायर्स प्लानिंग। अब ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, रिसर्च करो, प्लान करो, लेकिन क्या करो? सो यू स्टार्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस सबसे पहले। अब कोई बोलेगा यार एवरीबडी इज माई टारगेट ऑडियंस, कोई अगर ऐसा बोला कि आई एम गोइंग टू मास मार्केट समथिंग, उस दिन हाथ जोड़ करके उसको बोल दो थैंक यू, because it's not going to be successful. Slice bread भी अगर बेचना है, I know everybody eats bread, but ideal customer कौन है? वो एक different class होगा, वो एक अलग segment होगा। Find that out, research about that audience, उसको क्या चाहिए? Mobile phone सबको चाहिए, but Apple ने जब touch screen phone launch किया, they did not talk about सबके बारे में। They found out कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। Second, know your competition. अब जैसे प्रभाकर हमेशा बोलता है competition खुद से होना चाहिए, and that's a separate competition. वो मैं उस competition की बात नहीं, मैं product competition की बात कर रहा हूँ। और ये मत बोलना कि this product has never been created before. आज के डेट में आप कुछ भी करने जाओगे उसका competition होगा, वो पहले से रन कर रहा होगा, किसी दूसरे फॉर्म में होगा, कोई दूसरा पैटर्न होगा, बट होगा। डोंट एवर फील दैट मार्केट में कोई नहीं है, लोग हैं, हर फील्ड में लोग हैं, हर काम के लिए लोग हैं। सो नो योर कॉम्पिटिशन, एंड अगेन मतलब ये बहुत रियलिस्टिक बात है,
बिना कंपटीशन के बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई नहीं, जवाब देयर इज अ रीजन कि वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एनीवेज, थर्ड पॉइंट इज नो योर गोल्स, क्यों करना चाह रहे हो, जैसे मान पर्पस क्या है, मेजर जो बोलता है हमेशा प्रभाकर के मेजरेबल है, आप मेजर कर सकते हो कितना लोग देख रहे हैं, कितने लोग उसका रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। When he talks about trending, what is trending? Trending means more people are talking about it. अच्छा, क्या लगता है कि वेबसाइट लॉन्च करने से बिजनेस लॉन्च हो जाता है? एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है जो हम किसी वीडियो में देखे थे, ब्रेड इज बहुत पुराना चीज़ है, हमारे लिए रोटी जैसे है वैसे वर्ल्ड के लिए ब्रेड है, बेक्ड ब्रेड। Who invented sliced bread? Does anybody know the name? हमको भी नहीं पता, गूगल को पता है। His name was Otto, O-T-T-O, Otto. So when he created sliced bread, what he did was, he focused on the process. ब्रेड कैसे बनता है, उसका स्लाइसिंग कैसे करते हैं, एंड ही गॉट अ पेटेंट। नाउ यूएस में पेटेंट इज असाइंड फॉर 15 इयर्स। इमेजिन दिस कि फर्स्ट 15 इयर्स में ही डिडंट इवन सेल $100 का ब्रेड, 15 साल में $100 का ब्रेड भी नहीं बेच पाया। नाउ स्लाइस ब्रेड जो हम काट के आज मिलता है मार्केट में, 15 साल तक लोगों ने छुआ भी नहीं उसको। इज स्लाइस ब्रेड अ बैड आइडिया? कहीं से भी ऐसा लगता है? व्हाट हैपेंड? मार्केटिंग। हु डिड इट? 15 साल बाद उसका पेटेंट एक्सपायर किया, अ कंपनी कॉल्ड वंडर केम इन, क्या तो स्लाइस ब्रेड बेचेंगे, पेटेंट एक्सपायर्ड, नाउ दे कैन मेक इट, दे मेड इट, लॉन्च इट, विद इन 2 years दैट कंपनी बिकेम वर्थ 100 million प्लस। दिस इज इन 1800, इमेजिन दैट। What happened? Marketing, planning, right? Creating a website, creating a Facebook page is not business. Yeah. It's the basics of starting up. ठीक है? It's the first step. This is marketing important है startups के लिए, because startups का पैसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी वाले के पास चले जाओ जिसने आज शुरू किया। Actual startup. Startup does not mean funded startup. एक बार फिर से बता दे रहे हैं। That's different. Being funded is different, but startup वाले किसी के पास भी जाओ उसके पास पैसा नहीं होगा, वो कितने भी पैसे वाला होगा उसके पास पैसा नहीं होगा। Reason being, जो जिसके जेब में जितना पैसा होगा उसका प्लान उतना बड़ा होगा, उसके जेब में जितना भी पैसा होगा उसको कम पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या है, पैसा कम भी है, इवन इफ यू स्पेंड 100 rupees यू हैव सम रीच। And if you are good in target area, then you can leverage these things. बहुत मजा आ जाता है। Point of before starting वाला जो startup वाला बात था कि digital marketing शुरू करना और startup का सोच लिया कि करना है कि बीच का part हम लोग बात कर रहे हैं। Next step क्या होगा? Build your brand awareness. Right. Awareness starts with design, graphics जिसको बोलते हैं, दिखना चाहिए। दिखेगा तब तो बिकेगा। आपने ब्रेड बना लिया, पेज भी बहुत अच्छा है, आपने उसको शॉप में जाकर रख भी दिया, देखते लग रहा है यार क्या गंदा सा रखा हुआ है ब्रेड, मतलब अभी हम ब्रेड सोच सकते हैं, आप थिंक कि आपको ब्रेड नहीं पहचानते हो, शॉप में रखा हुआ है, कुछ बुद्धि ऐसा निकला हुआ है, दैट्स व्हाट ब्रेड लुक्स लाइक, राइट? स्लाइस ब्रेड अगर मैं काटूं बीच से, जो केक वाला पार्ट का ही ब्रेड, वो ब्रेड ही है, दिख के क्या लगता है कि यार कुछ तो हो गया इसमें, यीस्ट लग गया जिसको बोलते हैं लोग, खमीर आ गया उसमें, देख के लगता है कि सड़ गया, कैसे बिकेगा? सो यू नीड अ पैकेज, राइट? डिजाइन की बात कर रहा हूं। व्हेन यू स्टार्ट मेजरिंग, प्लीज लाइक्स और फॉलोअर्स मत काउंट करना, उससे कुछ नहीं होगा। फेसबुक लाइक से पेट नहीं भरता है, ठीक है? जब बिजनेस आएगा, ट्विटर पे फॉलोअर्स बढ़े हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। यू नीड टू कीप योर मेट्रिक्स क्लियर, हम क्या फॉलो करना चाहते हैं। लाइक्स एंड ये करोगे तो हो गया, ठीक है? क्या मैटर करता है ये बताओ मेरे को।
ट्रैफिक लीड्स हॉट लीड्स रेफरेंस है ना, कितने लोग इंगेजमेंट, ये है व्यू कितने लोग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितने लोग आप पे कमेंट्स कर रहे हैं बिकॉज दोज कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, कंप्लेन हो चाहे बड़ाई हो दे आर इंपॉर्टेंट, अगर लोग कंप्लेन कर रहे हैं प्रूव दैट पीपल आर यूजिंग इट, सो लुक फॉर दोज स्पेसिफिक मेजरेबल पॉइंट्स, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्मार्ट, हम स्पेशली लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये पांच टर्म्स हैं स्मार्ट, इट शुड बी स्पेसिफिक अगेन टारगेट ऑडियंस, मेजरेबल यू शुड बी एबल टू मेजर इट, अटेनेबल अगेन इट शुड बी अटेनेबल, आप जो टारगेट गोल सेट कर रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए, अब किसी सेल्स वाले को हायर करें और उसको बोलेंगे एक काम करो टारगेट अगर अचीव करोगे तो 1,00,000 रुपया देंगे, हाँ टारगेट क्या है महीने में 500 फ्लाइट लो भाई बेच लो, कभी अटेन ही नहीं होगा जिंदगी में उस 1,00,000 रुपए के पीछे भागते रह जाओगे, सो इट शुड बी अटेनेबल, बी रियलिस्टिक अबाउट इट, रेलेवेंट अगेन इट शुड बी रेलेवेंट, मेरा B2B बिजनेस है हम इमेज बना के लॉन्च कर रहे हैं, हाउ इज दैट रेलेवेंट, B2B सेगमेंट का जो कस्टमर होगा उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जोक से कोई मतलब नहीं है या है, डिपेंड्स अपॉन योर ऑडियंस, अगेन हो सकता है क्यों नहीं होगा, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कौन है, लुक एट देम फर्स्ट एंड टाइम बाउंड, मेजर करना है इसका मतलब थोड़ी अभी से लेकर अगले 5 साल तक उसी को देखते रहेंगे कि यार आएगा आएगा, कम ऑन यार क्रिएट अ टाइम लिमिट, महीने भर में इतना अचीव करना है, दैट शुड बी योर गोल, 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा ठीक है, टाइम फ्रेम में होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में कितने तरह का प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हो, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट माइंडगैज टम्बलर कोरा वगैरह, इतना मैं भूल जाता हूँ, रेडिट हो गया GMD, मतलब जितने लोग इस रूम में बैठे हैं वो सारा प्लेटफॉर्म है, हाँ इंटरेस्ट, क्या किसी बिजनेस के लिए स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सब पे रहें, नहीं वो डिफाइन करना होगा लेकिन हाँ एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सब कुछ आना चाहिए, हाँ अगेन नॉलेज ऑफ समथिंग इज नाइस बट आपको कहाँ प्रेजेंट होना है ये इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक सेगमेंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म चुनिए, लीड जनरेशन के लिए अलग प्लेटफॉर्म चुनिए एंड फोकस ऑन दैट, आप 50 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, मैंने नहीं कर पाऊंगा, अब एक यूजर है जो रेडिट पे आपके ऊपर कमेंट कर दिया नेगेटिव, अब आप लेकिन रेडिट रोज नहीं खोलते पता ही नहीं चलता क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप फेसबुक रोज चेक कर रहे हो, लिंक्डइन पे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो क्या होगा, सो बी ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन मैनेज, बी रियलिस्टिक, आपको नहीं पता डोंट वरी मैं हूं ना बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगी आज की इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, सो साल 2010 में एक लीडिंग मीडिया कंपनी जिसका नाम था मैशेबल, उन्होंने सोशल मीडिया डे स्टार्ट किया था जो 30 जून को होता है, और धीरे धीरे जब डिजिटल मार्केटर्स का अवेयरनेस और रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ गया तो इनके पैनल ने डिसाइड किया कि हम डिजिटल मार्केटिंग डे भी डिसाइड करेंगे, जिन्होंने उनका डेट फिक्स किया 16 दिसंबर, पटना में पहली बार मनाया गया था 2018 में डिजिटल मार्केटिंग डे, पैनल का बेसिक आइडिया यही था कि न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले या बेसिकली विंटर ब्रेक लेने से पहले आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रेटेजाइज कर ले ताकि नेक्स्ट ईयर आपका प्लानिंग तगड़ा हो, पटना डिजिटल मार्केटिंग फॉर कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स एंड देयर आर पीपल जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, सो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू बी हेयर कि चलो यार लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और डिजिटल मार्केटिंग डे टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग इन दिस सिटी पटना वुड बी वेरी ग्रेट, लोगों से मिलना उनको बताना और इसको प्रमोट कर करके पर्टिकुलरली इस डे को प्रमोट कर करके लोगों को बताना कि भाई पटना में भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्कोप है, यहाँ के ब्रांड्स को भी डिजिटल मार्केटिंग चाहिए और यहाँ पे लोग भी अवेलेबल हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग।
व्यूज के लिए सर ने स्पेशल ऑफर दिया है, जिसको भी वेबसाइट डिजाइन करवाना हो या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना हो तो आपको यहाँ डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। और कूपन कोड जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले तो पता नहीं था, बट अब पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग डे भी कुछ होता है। हम लोग 3-4 दिन से इस पे सेलिब्रेशन पे लगे हुए हैं और अब तो इसको ट्रेंडी बना रही, ट्रेंड बन रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे जिसमें पहले पता नहीं था, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी, कोई भी आपका नीच या कोई भी आपका इंटरेस्ट है, उससे आप उस फील्ड में उतर के अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपना लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसमें अर्न कर सकते हैं। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है तो ये तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ता दिख ही रहा है, बट इंडिया में मैक्सिमम ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज और हाइपर सिटीज में दिखता है। बट पटना जैसे शहर में हम लोग 10-20 लोग मिलके जो भी कर रहे हैं, एक छोटा सा इनिशिएटिव है, हर साल करने की कोशिश रहेगी। और डिजिटल मार्केटिंग डे पटना में सेलिब्रेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा यहाँ पे जाकर नेटवर्किंग करनी चाहिए, और जो अपने साथी प्लेयर्स है या पटना में और जो लोग अपकमिंग है या जो एस्टेब्लिश्ड है उनसे जाके एक नेटवर्किंग और एक जानकारी मिलना चाहिए कि यहाँ पे क्या लोग कर रहे हैं। क्योंकि क्या ग्लोबली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इंडिया में भी टियर वन शहर जो है या खासकर साउथ में बैंगलोर हैदराबाद से वहाँ पे इस तरह से बहुत ज्यादा इवेंट होते हैं, दिल्ली और इवन स्पेशली गुजरात में होते हैं, लेकिन पटना जैसे शहर में ये हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पटना में डिजिटल मार्केटिंग की काफी जरूरत है, क्योंकि इससे हम अपना रोजगार तो बढ़ाएंगे और जो भी और लोगों का रोजगार बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आज हम लोग गैदर हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग डे के लिए। ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ होता है, ये पूरे इंडिया भर में ये मनाया जाता है। पटना से हम लोग लीड कर रहे हैं और हम लोग ही कराते हैं। पिछले साल भी हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था और इस साल भी हमारा होने जा रहा है सक्सेसफुल। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी आप करो, बी रियल टू योर सेल्फ, बी पेशेंस, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं तो आप कोई भी बिजनेस या कोई भी, अगर आप फ्रीलांसर भी हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट नहीं आता है तो क्या करते हैं हम लोग, अरे यार प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा यार, शिट मैन कैसे चलेगा, बाइक का पेट्रोल कैसे आएगा यार, चाय कैसे पी पाएंगे। ये सब मेरे साथ भी हुआ था इनिशियल डेज में, जब मैंने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं भी ये नहीं सोचा था कि लाइक इससे पैसे आएंगे या अर्न करूंगा या एक कंपनी फॉर्म बनेगा या मैं एक सर्विसेज प्रोवाइड करूँ या मैं एक ट्रेनिंग दूंगा। जस्ट स्टार्ट किया जस्ट फॉर फन। से हम लोग एक इनिशिएट करते हैं सोशल मीडिया डे का, फिर डिजिटल उपवास करके हम लोग एक इनिशिएट किए हुए हैं, फिर हाँ फिर एक और सोशल मीडिया से रिलेवेंट एक हम लोग अभी हाल ही में कुछ कराएंगे जैन या फेब मंथ में, एसईओ रिलेवेंट क्वेश्चनायर करके, वो अभी लॉन्च करने ही वाला हूँ, ये एक सेगमेंट रहेगा हमारा। मैंने अपना YouTube का जर्नी, डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखते हैं तो सोशल मीडिया डे था विदाउट एडिटिंग, क्योंकि मुझे YouTube के बारे में उस समय कुछ नहीं पता था। एंड सर ने मुझे बूस्ट किया था कि आप ब्लॉगिंग करो, क्योंकि यू हैव अ वॉइस टू शेयर टू पीपल और आप पटना में काफी अच्छा एक नाम बना सकते हैं। तो सर आपको मेरा वीडियो सर कैसा लगता है फ्रॉम स्टार्ट स्क्रैच टू दिस लेवल? सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब ये स्टार्ट किया था ये जब आई थी रॉ, बहुत काफ़ी रॉ था और कुछ भी मतलब मालूम नहीं था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे होगा, कैसे लेवरेज कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं मनी एंड ऑल। बट हमने एक राइट डायरेक्शन दिया, अपना नीश पे काम करिए, आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। और जब शुरुआत में पहला वीडियो, जैसा हम लोग जानते हैं कि वीडियो जब बनता है तो शुरुआत से तो थोड़ा सा कमी रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, बट नाउ सी इज डूइंग वेरी ग्रेट और बहुत ही प्राउड फील होता है कि आपके हाथ से कोई स्टूडेंट जाके और इतना अच्छा काम करता है, इस लेवल पे काम कर रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स अब इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बुला रहे हैं, तो एज अ टीचर बहुत ही प्राउड फील होता है। एज अ टीचर मुझे लगता है कि चलो जो मैं देना चाहता था वो कुछ हद तक इनके लाइफ में वो वैल्यू एड क्रिएट हो रहा है। एंड माय बेस्ट विशेस टू, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनका बहुत ही अच्छा व्यूज आ रहा है, इनका सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक कूपन एक कोड लॉन्च किया था, अगर आप इनके थ्रू अगर हमारे पास आते हैं तो आपको एक कूपन कोड आप एक्सप्लोर नेहा चैनल पे आप ले जाके और वहाँ से डिस्काउंट ले सकते हैं।
तो जर्नी जहाँ से शुरुआत किया था आज बहुत खुशी हो रही है. आफ्टर सिक्स मंथ्स आई एम कमिंग टू डिजिटल मार्केटिंग डे जो पटना में सेलिब्रेट किया है. एंड आई होप आपको भी काफी कुछ नॉलेज मिला होगा जो आप ऑनलाइन के यू नो बेसिस पे जानना चाहते हैं. एंजॉय करें, फन करें एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने जितने भी डिजिटल मार्केटिंग फ्रेंड्स हैं. एंड टिल देन दिस इज एक्सप्लोरर नेहा सेइंग गुड बाय.